Good morning, class 7 students. We are on chapter number 3, the Sultans of Delhi, and we have done one Sultanate, or we can say that dynasty, in this class. Sorry, in the previous class. So Sultanate period has been mainly divided into 5 dynasties: first Slave, second Khalji, then third Tughlaq, then Sayyid and Lodi dynasty. So हम लोगों ने इन सब की introduction पढ़ लिया था. SKTSL ये कोड वर्ड है. स्लेव डायनेस्टी कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस द खलजी डायनेस्टी. सो लेट्स स्टार्ट. सो द टाइम पीरियड ऑफ खलजी डायनेस्टी इज 1290 to 1320, एंड देयर वर टू मेजर रूलर्स ऑफ खलजी डायनेस्टी. फर्स्ट इज जलालुद्दीन फिरोज खलजी. द टाइम पीरियड ऑफ दिस रूलर इज 1290 to 1296, ओनली 6 years, एंड द मेजर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज अलाउद्दीन खलजी, 1296 to 1316. सो लेट्स स्टार्ट विद जलालुद्दीन फिरोज खलजी. ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी. ये ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं थे, स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा लीनियंट मीन्स बहुत ही नॉन स्ट्रिक्टली पॉलिसीज अपनाई टूवर्ड्स द मंगोल. एंड इन्हें फिर इनकी जो पावर थी वो अलाउद्दीन खलजी ने अपने हाथ में ले ली. ही वॉज सक्सीडेड बाय अलाउद्दीन खलजी. मीन्स नेक्स्ट रूलर कौन बन गए? अलाउद्दीन खलजी. Now he is, there is a picture of Alauddin Khalji. The time period of Alauddin Khalji is 1296 to 1316. He was a very ambitious ruler, and he wanted to conquer the whole of India. Bahut hi zyada ambitious means हर जगह, मतलब इंडिया के हर एक कोने पर वो अपना अधिकार चाहते थे. कौन? अलाउद्दीन खलजी. उन्होंने अपने नोबल्स मींस जो उनके नीचे काम करते हैं, उन्होंने नोबल से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे. ओके, सो टू अचीव हिज एम. अचीव एम क्या? उनका पूरे इंडिया पर अपना हक जमाना. टू अचीव हिज एम ही डिस्ट्रीब्यूटेड गोल्ड फ्रॉम ट्रेजरी. किसके लिए? नोबल्स एंड सोल्जर्स. उन्होंने अपना जो खजाना था वो खोल दिया कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने एम तक पहुंचना है. तो वो खजाना उन्होंने खुले हाथों से बांटा अपने नोबल्स एंड सैनिकों को, ताकि जल्दी से जल्दी इंडिया को अपने अंडर कर लिया जाए. नोबल्स वर नॉट अलाउड टू मीट एंड हैव फेस्टिविटीज़ विदाउट हिज परमिशन. उसकी परमिशन के बिना नोबल्स को न तो मीटिंग करने की इजाज़त थी, न ही कोई भी फेस्टिवल से रिलेटेड काम करने की इजाज़त थी. सब जगह वो अपनी पावर, अपनी प्रेजेंस के बिना कोई भी काम नहीं होने देना चाहते थे. His spies were active everywhere. Spies मतलब जो जासूस होते हैं ना, जो नज़र रखते हैं, तो उसके जो spies थे वो हर जगह फैले हुए थे, ताकि कहीं पर कोई साजिश कर रहा हो ना तो फटाफट से अलाउद्दीन खिलजी को पता लग जाए. सो नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. सो दिस इज द पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक. सो आप लोग इस पिक्चर को अपने बुक में भी देख लेंगे. नाउ अब उन्होंने क्या किया? अब आपको अपनी बुक लेनी है, जिसके साथ साथ मैं लाइंस भी रीड करती जाऊंगी एंड आप लोग भी देखते जाइएगा. नाउ अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर. नो डाउट पूरे के पूरे इंडिया पर अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे. द फर्स्ट स्टेप इन हिज डायरेक्शन वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा. मालवा, गुजरात, राजस्थान, मतलब ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इस एरिया की तरफ बढ़ रहे थे. धीरे धीरे इस एरिया की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने गुजरात और मालवा को अपने अंडर में कर लिया. फिर रणथंबोर और चित्तौड़ की तरफ आए थे. अब चित्तौड़ से हमें याद आएंगी रानी पद्मिनी एंड उनका जौहर. सो इस लाइन से हमें एक मूवी याद आती है, पद्मावत. पद्मिनी, पद्मावत. सो बहुत सारे आपने मूवी देखी होगी, जिसका एक समरी है कि अलाउद्दीन खलजी अटैक करते हैं उनके एम्पायर पे. स्टोरी मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगी, स्टोरी आप सभी को पता होगी. सो रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ का किला था उसकी रानी थी. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट. एंड अलाउद्दीन खलजी ने इस एरिया पर अटैक कर दिया था. अब जो राजपूत होते हैं उनके लिए अपनी आन बान शान ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. तो जो लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अगर जो किंग होता है वो हार जाता है तो वो जौहर अटेम्प्ट करती हैं. जौहर मीन्स आग के कुंड में वो लोग एक तरीके से अपने आप को न्योछावर कर देती हैं. सो जौहर कर लिया था रानी पद्मिनी ने. अब हम देखेंगे जौहर किया कहाँ था. ये कुंड है ऐसा हमें देखने को मिलता है कि इसी कुंड में आग लगाई गई थी, एंड इसके अंदर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था. मीन्स अपने आप को फायर को समर्पित कर दिया था अलाउद्दीन खलजी के अटैक होने की वजह से.
नाउ अब ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट जो अमीर खुसरो थे, आमिर खुसरो जो थे, ट्रैवलॉग थे, हम लोग देख चुके हैं ट्रैवलॉग्स इन द फर्स्ट चैप्टर. सो अमीर खुसरो अपनी एक पोएट थे, उन्होंने ऐसा कहा कि इस पूरी लड़ाई में लगभग 30,000 राजपूत, एक सिंगल डे में 30,000 राजपूत की डेथ हो गई थी. तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल वॉर थी ये. अब इसने क्या किया, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया पे तो अपना एक्सपेंशन कर लिया, अब वो बढ़ गए हैं नीचे साउथ की तरफ. तो ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने विंध्यन रेंज को क्रॉस किया था. सिक्स क्लास में आप लोगों ने विंध्यन रेंज देखी होगी. सो पहले रूलर है जिन्होंने विंध्यन रेंज को क्रॉस किया है, मलिक कफूर. अब उन्होंने एक हर जगह राजा तो जाएगा नहीं, वो अपने सेनापति को भेजेगा. सो मलिक कफूर थे जो एक तरीके से उनके सेनापति थे, उन्होंने मलिक कफूर को ऑर्डर दिया कि जाओ मेरे एनिमीज़ को हरा के लाओ. सो मलिक कफूर डिफीटेड यादवास ऑफ देवगिरी, काकतियाज ऑफ वारंगल, होयसेलाज ऑफ द्वार समुद्र एंड पांड्याज ऑफ मबार. ये सभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैप, सारी डायनेस्टीज हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी डायनेस्टीज है. अब वहाँ पर जाकर इसने ऐसा नहीं है कि जब जीत गया तो खुद ही रूल कर रहा है, इन्होंने वहाँ पर जाकर ही डिडेंट रूल डायरेक्टली, ही डिड नॉट ब्रिंग ऑल दीज टेरिटरी अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, अपने अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लाए. उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ही मेड ऑल दीज रूलर्स एक्सेप्ट हिम एज सिजेरियन. सो उन्होंने क्या किया, आप मेरे अंडर में रहो, मतलब मेरी सत्ता है, आप मेरी सत्ता के अंदर रूल करो. तो जाके मैं खुद रूल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इन सभी पर मेरा एक तरीके से हुकूमत बन गई है. सो ही हैड टू पे ह्यूज अमाउंट एज ट्रिब्यूट. तो आप लोग रूल करो पर किसके अंडर, मेरे अंडर. और उसके बदले आप लोग क्या देंगे, आप लोग मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देंगे, जिसे हम एक तरीके से टैक्स बोल सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी ये जीतने के बाद, ये टेरिटरी जीतने के बाद अलाउद्दीन खलजी को मिली थी. ना अलाउद्दीन खलजी की डेथ के बाद जो कि 1316 में हो गई थी, ही वॉज द लास्ट खलजी रूलर. A war of succession broke out. The last Khalji ruler, Khusro Malik was replaced by Tughlaq Sultan. So Khusro Malik end में जो हमारे ruler थे, बने थे Khusro Malik, उन्हें भी replace कर दिया था Tughlaq Sultan ने. तो हमारी जो next dynasty है वो तो Tughlaq dynasty है, जो कि हम next class में पढ़ेंगे. तो हम लोगों ने expansion देखा कि किस तरीके से इसने गुजरात, मालवा, राजस्थान के कुछ एरिया, फिर उसके बाद साउथ के पूरे एरिया पर अपना अधिकार जमा लिया था. इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ के बाद कौन सी डायनेस्टी आती, टी डायनेस्टी आती है, मीन्स Tughlaq डायनेस्टी. पहली एस डायनेस्टी, फिर उसके बाद के डायनेस्टी, फिर टी डायनेस्टी. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इकोनॉमिक मेजर्स. सो ही वॉन्टेड टू कॉन्कर डेक्कन एंड राजस्थान. अब उन्हें क्या चाहिए था, अब डेक्कन और राजस्थान, जो दक्कन मीन्स सदर्न पार्ट था इंडिया का, और राजस्थान को अपने अंडर करना चाहता था. इसके लिए क्या चाहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, मजबूत आर्मी ही तो इन्हें इस वॉर में जिताएगी. तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने लग गए, कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़. सब पर उनका कंट्रोल था, जितनी भी चीज़ें अगर दी जा रही हैं सब पर किसका कंट्रोल था, अलाउद्दीन खलजी का. कोई भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, कोई कम नहीं कर सकता है. फूड, ग्रेन्स, कैटल, स्लेव्स, सब पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, सब पर कंट्रोल किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन आ सके. अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट बाय ऑल द टैक्सेस नॉन पेरिशेबल कम्युनिटी, सॉरी कमोडिटीज़. अब उन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया, द सुल्तान मेज अरेंजमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट टू बाय ऑल द एक्सेस नॉन पेरिशेबल कम्युनिटीज, सारी की सारी नॉन पेरिशेबल कम्युनिटीज़, सॉरी कमोडिटीज़. अब कौन किसके अंडर में आ जाएगी, वो गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगी, सुल्तान के अंदर में आ जाएगी. स्ट्रिक्ट वॉच वॉज केप्ट ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कम्युनिटीज़. अब जो छोटे छोटे सामान हैं, ये जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही थी, स्ट्रिक्ट वॉच रखी जा रही थी, ठीक है, ताकि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हम लोग कर सके. ना चीटिंग करने वाले को बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट मिल जाती थी. ये नहीं कि छोड़ दिया, ये हुई सॉरी बोल दिया छोड़ दिया, बिल्कुल पनिशमेंट मिलती थी. लैंड रेवेन्यू अंडर इज कंट्रोल. अब लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन पर जो टैक्स लगता है, अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इज ओन कंट्रोल. द राइट्स ऑफ लोकल चीफ टेन्स
और टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर फोर्स टू पे टैक्सेस। जो कहते हैं हम लोग ज़मींदार वगैरह होते थे ना, वो कुछ भी नहीं, यहाँ पर किसी की इंपॉर्टेंस नहीं है, सभी को टैक्स को पे करना पड़ता था। अब यहाँ पर टैक्स भी है तीन प्रकार के, तीन टाइप्स के। फर्स्ट है ऑन कल्टिवेशन कॉल खराज, जो कि कल्टिवेट होता है, मतलब जो एग्रीकल्चर से कल्टिवेट होता है वो टैक्स है खराज, जिसमें 50% ऑफ अमाउंट ले लिया जाता था, विच अमाउंटेड टू 50% ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस। मतलब अगर उसने इतनी पूरी उगाया है तो 50% लैंड रेवेन्यू में ही जा रहा है, 50% आपको जो करना है करो, पर 50% कौन लेके जाएंगे, जो आपके रूलर है वो लेके जाएंगे। कैटल पे उन्होंने टैक्सेस लगा दिए, घरों पे भी टैक्सेस लगा दिए, तो इस तरीके से टैक्सेस लगा के वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहते थे। ओके, सो हियर आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर ए, यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर कॉपी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, तारीख वर रिटन इन विच लैंग्वेज, सो द आंसर इज पर्शियन। Which is the correct chronology of the Delhi Sultanate? मतलब लाइन वाइज अगर हम डिस्कस करेंगे तो कौन सी लाइन सही है? स्लेव एस के टी एस एल बिल्कुल पहले ही सही निकल जाते हैं, बिकॉज सही स्लेव डायनेस्टी हमने पढ़ ली, उसके बाद खलजी ही तो पढ़ी है हमने, उसके बाद तुगलक आएगी, तो पहली जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। एस के टी एस एल इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ दिल्ली सल्तनत। नाउ विच सुल्तान वॉज रेफर्ड एज लाख बख्श, ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि लाख बख्श मीन्स लाखों रुपीस को एक तरीके से लुटाने वाला हम किसे कहते हैं। सो द आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर। नाउ इब्न बतूता लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान फॉर मेनी इयर्स, हु वाज द सुल्तान। इब्न बतूता के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, टी से कनेक्ट करेंगे। इब्न बतूता, टी 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 से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ जाएंगे। सो इन द वी कैन से दैट इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया के बारे में ट्रैवलॉग्स लिखे थे। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक वॉज नॉट रिलेटेड टू वन ऑफ द मेजर्स मैंशनड बिलो, वॉट विच इज इट। सो उन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। वैसे तो हमने मोहम्मद बिन तुगलक नहीं पढ़ा है, बट फिर भी हम लोग एक बार इसको टिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस रिवाइज करेंगे। सो ट्रांसफ़र उन्होंने अपनी कैपिटल बिल्कुल की थी, उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था टोकन करेंसी का, और उन्होंने खुसरो एक्सपेडिशन भी किया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर वन आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर टू आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक मीन्स बी, इब्न बतूता मीन्स सी, एंड फिफ्थ क्वेश्चन आंसर इज सी। सो नाउ दैट्स इट फॉर नाउ।